सफल होने का सही तरीका। आज हम जानने वाले हैं कि सफलता का एक सही मार्ग क्या होता है। कई लोगों को रास्ता तो पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि उस रास्ते पर स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। आप जब भी सीढ़ी चढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते हो जिसे कि आप पहली सीढ़ी चढ़े उसके बाद तीसरी या चौथी सीढ़ी चढ़े, क्योंकि आपको यह पता होता है कि ऐसा करने से आप गिर जाओगे। लेकिन जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो आप यही गलती करते हो। आप पहले के बाद तीसरी, चौथी या पांचवी पर कदम रखना चाहते हो और जिसकी वजह से आप असफल हो जाते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि सफल होने का सही मार्ग, सही तरीका क्या होता है। जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे, आप हमेशा इस सर्कल को ध्यान में रखिएगा। आपको सबसे पहले सफल होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के बाद आपके अंदर उस ज्ञान की योग्यता होनी चाहिए और योग्यता के बाद आपको उस काम को करने के लिए इच्छा भी होनी चाहिए। तो इस सर्कल को आप ध्यान में रखकर इस सर्कल की एक एक बात को डिटेल में समझते हैं। पहला स्टेप, ज्ञान का होना। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके अंदर ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन किस चीज का ज्ञान आपको चाहिए उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद उसी ज्ञान में आपको पता होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है। जब भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपना एक लक्ष्य बनाएंगे तो अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है। आपको एक डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है, पेंटर बनना है, डांसर बनना है या फिर एक सिंगर बनना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ज्ञानी बनिए। अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है, आपको ये क्यों करना है। अब अपने आप से पूछिए कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। अब यहीं पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग तो दूसरे के चक्कर में आके अपना क्यों वाला आंसर ही बदल देते हैं। मेरा दोस्त ये करने जा रहा था इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्त ने मुझे ये करने को बोला है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरे माता पिता ये चाहते हैं इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। और उनका क्यों का जवाब इस प्रकार से होता है। आप कभी भी स्पष्ट ही नहीं हो पाते हो कि आपको ये काम क्यों करना है। आप दूसरे के प्रेशर में आकर के इस काम को करते हैं। कुछ समय तो आप इस काम को कर लोगे, लेकिन कुछ समय के बाद उन कामों में मजा आना बंद हो जाता है और आप उस काम को करना बंद कर देते हो। जबकि आपका जवाब होना चाहिए कि आप ये काम इसलिए कर रहे हो या इसलिए करेंगे क्योंकि आपको खुशी मिल रही है, क्योंकि इससे आपको पैसा कमाना है और आप इसे अच्छे से कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले याद रखें कि आपको जो भी ज्ञान प्राप्त करना है, सबसे पहले अपने आप से पूछो कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। स्टेप टू, योग्यता का होना। अब दूसरे नंबर पर आती है योग्यता। आपको पता तो चल गया कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन आपको उस काम को करने के लिए यदि आप योग्य नहीं हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप उस काम को कैसे करेंगे। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको मैगी बनाना है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको मैगी बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन इसके बाद आती है आपकी योग्यता, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको इसे कैसे बनाना है। अब मैगी पर एक रेसिपी लिखी होती है, आप उसे फॉलो करते हैं और उसे बना लेते हैं। लेकिन हमारे जीवन मैगी की तरह नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगा। यहाँ पर योग्यता डेवलप करने के लिए सालों लग जाते हैं। आपको जितनी अच्छी योग्यता डेवलप करनी है उतना ज्यादा समय आपको लगता है। आपकी योग्यताओं को डेवलप करने के लिए जब भी आप कोई कोर्स करते हो तो आपको पता होता है कि इसमें कितना समय लगेगा। जैसे कि MBBS करना है तो आपको 4 से 5 साल लगेगा, BE करना है तो भी आपको 4 से 5 साल लगेगा, BCOM या BSc करना है तो आपको 3 से 4 साल लगेंगे। लेकिन यदि आप एक सिंगर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो या फिर एक्टर बनना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको योग्यता पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपको कितना साल लगेगा। तो इसका मतलब क्या और क्यों का पता होने के बाद इसका पता होना बहुत जरूरी है कि उस चीज को आप कैसे करेंगे और अपनी योग्यताओं को कैसे डेवलप करेंगे। तो ये 2 स्टेप काम नहीं करेंगे यदि आप तीसरे स्टेप को फॉलो नहीं करते हो। तीसरा स्टेप, उस काम में आपकी इच्छा होना। अब आपकी इच्छा भी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बहुत सारी चीजों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं।
क्योंकि उनको काम करने की इच्छा नहीं होती है। आप में मोटिव प्लस एक्शन का होना भी बहुत जरूरी है और उसे ही कहते हैं मोटिवेशन। आपके अंदर इस इच्छा शक्ति का होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बिना आप उस काम को या फिर उस टास्क को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। थॉमस अल्वा एडिसन को पता था कि उन्हें क्या करना है, क्यों करना है और उन्हें कैसे करना है। वो बहुत समय तक कर भी रहे थे लेकिन बहुत बार वो फेल हो रहे थे। वहीं पर काम किया उनकी इच्छा शक्ति ने। यदि उनकी इच्छा शक्ति मर जाती तो वो बल्ब का आविष्कार कभी भी नहीं कर पाते। तो आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन 3 स्टेप को जरूर फॉलो कीजिएगा।